सफाई नहीं होने दे रहे लक्सर में, इसलिए हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। जाति में प्रतिबंध लगा दिया गया, हमारी जाति में रोक लगा दिया गया, हमारी जाति को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। सारे बच्चे भी पढ़े लिखे बैठे हुए घर पे, और जो निकल गया है कोई मतलब पुलिस में निकला है, कोई उसमें रेलवे में निकला है, सब बैठे हैं, किसी का जाति के बिना कुछ आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। अपने गाँव से कैंडिडेट खड़े होने चाह रहे हैं वार्ड कमिश्नर से, वहाँ पे जाति का मांग कर रहा है, जाति मेरे पास है पर वो लोग करंट जाति मांग रहे हैं। जाति दो वोट लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं फिनो न्यूज बिहार। एक नजर आज की कुछ खास खबरों की ओर। कोढ़ा नगर पंचायत का चुनावी महासंग्राम काफी तेज हो गई है, जिसमें कि एक जुराबगंज गांव भी आता है जो कि बंजारा टोली के नाम से प्रमुख है। और उन बंजारों का कहना है कि हमारे पूर्व में जाति बना हुआ है, लेकिन अभी हमारे जाति बाल बच्चा का नहीं बन रहा है, जिसके कारण हमारे बाल बच्चे अच्छे अच्छे कंपटीशन की तैयारी करके घर में बैठे हुए हैं। जब हम इस बार इलेक्शन की तैयारी की तो हमारा नामांकन पर्चा दाखिल नहीं हुआ। ऐसे स्थिति में हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। हम सभी बंजारे मिलकर वोट का बहिष्कार करेंगे और वोट नहीं देंगे। इसलिए हमारे पत्रकार साथियों ने पूर्व प्रमुख अकिल दास जी से बात किया, तो अकिल दास जी ने क्या कहा जरा देखिए इस रिपोर्ट में। आप लोग बंजारा जाति में एसटी में, एसटी में यह सीट कौन सा बनाया गया, सुरक्षित बनाया गया? तो आप लोग क्या मांग करते हैं सरकार से? मांग यही करते हैं कि करंट जाति बनाए, या तो जनरल किया जाए या तो करंट हमारी जाति बनाई जाए, करंट जाति, नहीं तो हम किसी को वोट नहीं। वार्ड नंबर एक से कोई वोट नहीं जाएगा, चाहे जो सरकार। कितना वोटर होंगे आप लोग? 1135 के लगभग। तो सभी बहिष्कार कर रहे हैं वोट का? जी सभी बहिष्कार। हमारे गांव से किसी को खड़े नहीं होने दे रहे लक्सर में, इसलिए हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। इसलिए हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि हमारे जाति में प्रतिबंध लगा दिया गया, हमारी जाति में रोक लगा दिया गया, हमारी जाति को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। सारे बच्चे भी पढ़े लिखे बैठे हुए घर पे, और जो निकल गया है कोई मतलब पुलिस में निकला है, कोई उसमें रेलवे में निकला है, सब बैठे हैं, किसी का जाति के बिना कुछ आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, सब पे रोक लगा दिया गया है। हम लोग बंजारा जाति से आते हैं, हम लोग एसटी में हैं। तो आप लोग का जाति बनाया गया है? जी हमारा जाति बन चुका है। तो फिर रोक क्यों लगाया जा रहा है? करंट जाति मांग रहे हैं, करंट जाति के लिए रोक लगाया गया है। तो करंट जाति क्या बन रहा है आप लोगों का? नहीं, क्यों नहीं बनाया जा रहा है? क्योंकि बोल रहे हैं कि आप लोगों का बंजारा जाति का कोई मतलब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कोई मतलब सब चीज में रोक लगा दिया गया है। पढ़ाई लिखाई किनके द्वारा रोक लगाया गया? डीओ साहब के द्वारा रोक लगाया गया है। आप लोग क्या सरकार से मांग करते हैं? हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि जब तक हमारी जाति नहीं बनेगी फिर से, तब तक हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। जाति से हैं और हमारा जाति प्रमाण पत्र पहले 20-25 सालों से सभी बन रहा है, ठीक है, हमारे पास की वाला जमीन के कागजात सब चीज़ है, लेकिन हम जब ब्लॉक जाते हैं तो यही हमें कहा जाता है कि आप लोग का जाति हट गया है एसटी से। तो मेरा प्रश्न ये है, ब्लॉक में आपको किनके द्वारा बोला गया? मैं सर सीओ सर से ही मिला, डीएम सर से भी मिला, डीएम सर से बात हुई तो उन्होंने बोला क्या कि आपको जनरल जाति में डाल के ईडब्ल्यूएस दे देंगे। तो सर हम ईडब्ल्यूएस लेकर क्या करेंगे? हम लोग एसटी से बिलोंग करते हैं, तो अभी पहले बन रहा था, अभी आप बोल रहे हैं कि हमें हटा दिया गया। तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर हमें हटा दिया गया है तो हमें किस में डाला गया है? हमारी जाति जो बंजारा जाति आती है एसटी में आती है, हमें अगर एसटी से हटा दिया गया तो हम कहाँ जाएं? यह सीट कौन सा बनाया गया? यह सीट जो है वार्ड संख्या एक नगर, ये सर ये एसटी के लिए सीट बनाया गया, एसटी के लिए बनाया गया। लेकिन सर एसटी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि सर करंट जाति मांगी जा रही है, जब ब्लॉक जाते हैं तो जाति बनती नहीं, तो कोई भी कैसे इलेक्शन लड़ सकता है? इसलिए आज आप लोग एक जगह हुए, क्या सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से ये मांग जो हमारा जाति है वो हमें प्रदान करें, नहीं तो सर क्या हमारा फ्यूचर कैसे चलेगा? हमारा फ्यूचर कैसे चलेगा सर? हम कैसे को वोट देंगे जब हम एक से हमें उम्मीदवार के लायक नहीं है, तो हम वोट क्यों दें? मंडलता क्यों बने? हमारे जो समाज की बेटी है, आज के डेट में देखा जाए कि आज जो लड़की है, हमारी बेटी है हमारे समाज की, उसको जो है कि आरक्षण दिया जाता है हर जगह, लड़कियों को, हमारे बेटियों को, हमारे माताओं को हर जगह आरक्षण दिया जाता है। आज जो ये हमारी बड़ी सिस्टर है, आज ये इस वार्ड नंबर एक से इलेक्शन लड़ना चाहती है वार्ड कमिश्नर के लिए, तो नॉमिनेशन कराने के लिए हम लोग ब्लॉक गए। ब्लॉक में बोल रहे हैं कि करंट जाति चाहिए, तो करंट जाति जब यानी कि 2018 में जब हमारे सीओ साहब प्रवीण वत्स थे, वो तब तक जब तक प्रवीण वत्स जी रहे तब तक वो बनाए जाते,
उसके बाद जो ये आए थे मनोज बर्नवाल जी, वो स्टार्टिंग में आते ही उनके पास हम गए। यहाँ की सबसे अच्छी बात है कि फर्स्ट कैंडिडेट ये जो जाति का मामला शुरू हुआ है मुझसे ही हुआ, ठीक है। 2018 में टेंथ एग्जाम दिए, 12th के लिए अच्छी कॉलेज के लिए जाति मांगा जाता है, ये बात तो सभी को अच्छी तरह पता होगी। एग्जाम लेने के लिए मैं खुद जब एग्जाम लेने के लिए एडमिशन लेने के लिए गया तो जाति की मांग, मेरे पास जाति नहीं था, जाति था 2014-15 का जाति। तो उन लोगों का ये कहना था स्कूल का कि 6 महीने अपडेट जाति चाहिए, तो हम नॉमिनेशन नहीं मिल पा रहा है। क्या हमारे समाज के बेटी को हक नहीं है? मैं ये पूछता हूँ कि हमारे समाज के बेटी को क्या हक नहीं है? यहाँ पे आया है वार्ड कमिश्नर, कौन सा जाति का सीट आया गया यहाँ? हरिजन सीट आया। क्या आप लोग को इसकी यह जाति घोषित किया गया है? जी, ST/ST के लिए। ST/ST के लिए क्या आप लोगों का जाति बना हुआ है? जी, बंजारा जाति बना हुआ है। ये जो हमारी सिस्टर खड़ी हो रही है वार्ड कमिश्नर के लिए, हमारे समाज की बेटी जो खड़ी हो रही है, इनका जाति है ये, 2017 में बनाया गया। क्या बताया जा रहा है इसमें? ये बताया जाता है कि 6 मंथ की अपडेट चाहिए, कम से कम 6 मंथ की होनी चाहिए। तो रोक लगा दिया गया। उसके रोक लगा दिया कल जब हम लोग नॉमिनेशन के लिए गए जिला पदाधिकारी और सरकार से। हम लोग यही मांग करते हैं कि यदि हमारी समाज की बेटी उठेगी, हमारे वार्ड नंबर 1 से यदि कोई कैंडिडेट नहीं, यदि हमारी समाज की बेटी, सरकार कहती है कि आरक्षण मिलता है लड़कियों को, हमारी समाज की बेटी यदि नहीं उठेगी तो अध्यक्ष हो, मुखिया हो, किसी को भी वोट हम लोग नहीं देंगे। हमारे वार्ड नंबर 1 से वोट 1 भी नहीं चाहेगी, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे वो BJP हो, चाहे भाजपा हो, किसी को भी वोट नहीं मिलेगी। आपका ये चीज, मैं अंकित कुमार, गुराबगंज कोरा कटिहार। मामला यही है कि हम लोगों को पूर्व में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया और जाति करंट जाति मतलब बन नहीं रहा है, उसके बिना हम लोगों के बच्चे किसी भी अच्छे स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले जाति की मांग है। जाति के बिना उन लोगों को कोई एडमिशन नहीं मिलता, और हम लोगों का अनुसूचित जनजाति में क्या कहते हैं जनरल सीट कोटा रिजर्व कर दिया, और जब आज लेमिनेशन के लिए गए तो करंट जाति मांग रहे हैं, और करंट जाति के बिना हम लोगों को लेमिनेशन नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए हम लोग अब मतलब किसी को वोट ही नहीं देंगे।